Very good evening, everyone. My name is Shubham Singh Khania, and I'm your mentor for UGC NET Paper 1, Paper 2 Commerce and Management. तो आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज लेके आया हूँ कि कुछ दिनों पहले यूजीसी ने एक रिक्रूटमेंट निकाली है फॉर द पोजिशन ऑफ कंसल्टेंट। तो उस नोटिफिकेशन के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये वैकेंसी किस पोजिशन के लिए है। ये वैकेंसी एक कंसल्टेंट की पोजिशन के लिए है एंड कंसल्टेंसी किस सब्जेक्ट में देनी है, किस एरिया में देनी है, दैट इज रिलेटेड टू योर न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो जो 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी उससे रिलेटेड कुछ रिसर्च रिलेटेड वर्क, एकेडमिक ड्यूटीज हो गई या फिर प्रोजेक्ट रिलेटेड काम आपको करना होगा जिसके लिए वैकेंसी आई है। अब बात कर लेते हैं कि क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो यहां पे नोटिफिकेशन में दो तरीके की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताए गए हैं। तो फर्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज द एसेंशियल क्राइटेरिया विच इज मैंडेटरी इन नेचर। उसमें भी दो कंडीशंस हैं जो आपको फुलफिल करनी है। तो फर्स्ट कंडीशन इज कि आपकी मास्टर्स होनी चाहिए इन द सब्जेक्ट ऑफ एजुकेशन, दैट मींस टेक्निकली आपने एमएड किया होना चाहिए, दैट इज मास्टर्स इन एजुकेशन। सेकेंड मैंडेटरी रिक्वायरमेंट क्या है, दैट अपार्ट फ्रॉम मास्टर्स इन एजुकेशन आपका नेट क्वालिफाई होना चाहिए इन एजुकेशन सब्जेक्ट। हेयर आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जीआरएफ, सिर्फ नेट की रिक्वायरमेंट दी गई है एजुकेशन के अंदर। नेक्स्ट सेकंड क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं, विच इज अ डिजायरेबल क्वालिफिकेशन, मतलब जितनी अच्छी होगी उतना आपके सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी एंड चांसेस बढ़ जाएंगे। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन इज की दैट यू शुड बी गुड इन द सब्जेक्ट ऑफ कंप्यूटर्स, बिकॉज ये जो सारा काम होगा, ये जो सारा प्रोजेक्ट रिलेटेड वर्क होगा, ये आपको कंप्यूटर्स पे करना होगा, देयरफॉर ये रिक्वायरमेंट रखी गई है। अब बात कर लेते हैं दैट व्हाट इज द टाइम पीरियड जिसमें आपको काम करना होगा। तो एज ऑफ नाउ नोटिफिकेशन ये कहता है कि आपका जो टाइम पीरियड होगा दैट इज गोइंग टू बी 1 ईयर ऑन अ कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस, मतलब आप कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे काम करेंगे, इट इज नॉट अ परमानेंट वैकेंसी। बट अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहती है तो 1 साल के बाद आपका ये जो टाइम ड्यूरेशन है ये एक्सटेंड भी किया जा सकता है। अब थर्ड चीज के बारे में बात कर लेते हैं दैट व्हाट इज द सैलरी और रेमुनरेशन। तो बिकॉज यूजीसी में नोटिफिकेशन आई है तो सैलरी काफी अच्छी ऑफर करी गई है, दैट रेंजेस फ्रॉम 50,000 पर मंथ टू 70,000 पर मंथ। तो इसके बीच में आपको सैलरी पर मंथ दी जाएगी डिपेंडिंग ऑन योर क्वालिफिकेशन स्किल्स एज वेल एज एक्सपीरियंस। अब आपके दिमाग में होगा कि फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि जो लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की दैट इज 31 मई 2021। इसका मतलब अभी भी आपके पास 6-7 दिन का टाइम है जिसमें आप प्रॉपरली टाइम लेके चीजों को समझ के फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। द लास्ट थिंग इज दैट व्हाट इज द सिलेक्शन क्राइटेरिया। तो इसके लिए एक सिलेक्शन कमेटी बनाई जाएगी जो आपके सारे फॉर्म्स, जो भी आप फॉर्म फिल करेंगे, जो भी आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होगी एंड अदर रिलेटेड एस्पेक्ट्स होंगे, उनको मॉनिटर करेगी, उनको इवैल्यूएट करेगी एंड उसके बेसिस पे ही आगे डिसीजन लिया जाएगा बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ दिस सिलेक्शन कमेटी। तो अगर आपको लगता है कि आप ये एलिजिबिलिटी कंडीशन फुलफिल करते हैं, दैट इज बोथ योर मैंडेटरी एज वेल एज डिजायरेबल क्वालिफिकेशन, तो आपको इस वैकेंसी पे जरूर अप्लाई करना चाहिए बिकॉज दिस इज अ वन टाइम अपॉर्चुनिटी एंड इससे रिलेटेड लगातार अपॉर्चुनिटीज आती रहती हैं यूजीसी की वेबसाइट पे। तो अगर आपको लगता है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी तो प्लीज हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब टू द चैनल। इससे रिलेटेड नोटिफिकेशन से रिलेटेड जो लिंक है वो भी हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है एंड साथ साथ इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करने के लिए भी जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे, डू अप्लाई एंड ऑल द वेरी बेस्ट।